हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। हम जब भी गाजर का हलवा घर पर बनाने की सोचते हैं तो उसके साथ में होने वाले झंझट के बारे में पहले सोच लेते हैं कि कितनी देर तक हमको इसको घिसना पड़ेगा फिर बनाना पड़ेगा। मगर आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जो बिना घिसे इस गाजर के हलवे को बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें लेना है गाजर। यहाँ पे गाजर मैंने आधा किलो लिया है, 500 ग्राम, और इनको 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गाजर को हम बड़े टुकड़ों में काटेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें गाजर घिसना नहीं है, इसको पीसना है। और पीस अब हमें ले लेना है जार, और जार में यहाँ पे मैंने डाल दिया है सारा गाजर। गाजर में पानी मिक्स नहीं करना है। और अब इसमें ऐड करना है 2 इलायची। गाजर को इस तरीके से पीसना है कि वो एक फाइन पेस्ट में ना आ जाए। इस तरीके से गाजर पीसने के बाद में दिखेगा। गाजर को मैंने ऐसे पीसा है कि जब मैंने मिक्सर में गाजर लिया था तब गाजर को एक साथ में नहीं पीसना है, थोड़ा सा रुक रुक कर मिक्सर चलाना है, फिर बंद कर देना है, फिर चलाना है, फिर बंद कर देना है। इस तरीके से गाजर को पीस लेना है। अब हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, और जब देसी घी गर्म हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे गाजर। ये गाजर देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि घिसी हुई है, इसको पीसा नहीं है, और इसको बनाने के बाद में भी इसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। और इस तरीके से गाजर को चलाते रहना है, और गाजर को तब तक चलाना है जब तक कि इसमें जो ये पानी है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। अब आप देख सकते हैं सारा पानी सूख गया है। अब इसमें इसी तरीके से चलाते हुए अब इसमें ऐड करना है हमें चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने 3/4 कप ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरीके से गाजर में सारी चीनी को मिक्स कर देना है। और इस टाइम पे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है, और इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं जब चीनी अच्छी तरीके से गाजर में मिल जाएगी तो वो कलर भी अलग से आने लगेगा। अब आप देख सकते हैं गाजर और चीनी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है। दूध भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दूध बॉइल्ड होना चाहिए, कच्चा दूध नहीं मिलाएंगे इसमें। और इसको भी बहुत अच्छे से चला देंगे ताकि चीनी, दूध, सब कुछ गाजर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि गाजर में चीनी और दूध बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच इलायची। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है, लेकिन चलाते हुए रहना है गाजर के हलवे को। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। ये है बादाम, बादाम को मैंने काट लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से काजू, और इनको भी मिक्स कर देंगे। और ये है खोया। खोया आप अपने अकॉर्डिंग खोए की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और इसको चला देना है। खोया तब ऐड करना है जब हम अपना हलवा निकालने के पे होंगे। अब ये हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में एक टिप देना चाहूँगी गाइस कि खोया सारा इसमें ऐड मत करिएगा। जब भी आप किसी को सर्व करेंगे गरम हलवा करके, उस टाइम पे खोया ऊपर से डाल दीजिएगा, गार्निश भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा।